एक डोंगे में चार चम्मच भरकर बेसन डाला, इसमें 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 3/4 चम्मच नमक डाला, पानी डालकर इसको मैं थोड़ा हल्का गाढ़ा घोल लूंगी। इसके अंदर का शिमला मिर्ची के अंदर के बीज और मोटा वाला हिस्सा कर निकाल कर इसको अंदर से इस तरह से खोखला कर देना है। इसी तरह से मैं इसके दूसरे हिस्से को भी अंदर का हिस्सा निकाल कर बीज निकाल कर खोखला कर दे। थोड़ा अदरक और हरी मिर्ची को 1 टेबलस्पून तेल में हल्का हल्का भूनना है, फिर उसमें थोड़ा धुला हुआ मटर डालकर थोड़ा सा हल्का सा भून कर इसको ढककर रख देंगे जब तक कि मटर थोड़े नरम ना हो जाए। फिर मैं इसमें आलू डालूंगी जो कि मैंने हाथ से मैश करके रखे हुए। भीगा हुआ आलू, मैश किया हुआ आलू डालकर थोड़ा सा और भूनना है। 1 चम्मच भरकर नमक डालना। जब नमक इसमें थोड़ा मिक्स हो जाएगा और ये थोड़ा भुन जाएगा तो मैं इसमें बाकी मसाले डालूंगी। थोड़ा भुन गया है, अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर करीब 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच के करीब ही धनिया पाउडर डालूंगी। जब ये भुन जाएगा तो इसमें मैं 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालूंगी। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है और उसको मिक्स कर दिया। मैं शिमला मिर्ची में ये आलू मटर का मिश्रण भरूंगी और हल्का सा दबा दूंगी इस तरह से। इसी तरह मैं करेले में भी भरूंगी और हल्का सा दबाकर इस तरह से। बेसन में इस तरह से हल्का सा डुबोकर मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी। शिमला मिर्ची को भी हल्का सा 1/2 हिस्सा इसका डुबोकर इसमें उल्टा रखकर शैलो फ्राई करूंगी। फ्राई करेंगे इस तरह से पैन के अंदर गरम तेल में डालकर। थोड़ी देर के बाद इसको धीरे से हल्का सा इसको इस तरह से देख लीजिए ये सिक गया है और मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी। इस तरह से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। देखिए ये दोनों तरफ से हल्का गुलाबी सिक गया है। इफ यू appreciate my videos, do subscribe to my channel, like and share it.